आपने स्टार्ट किया आज आप माशाल्लाह आर्ट से नौ कंपनियां रन भी कर रहे हूं। जब तूफान आता है छोटे छोटे परिंदे सब अपने घोंसलों में गुम हो जाते हैं छुप जाते हैं ये कितना जरूरी है कि कारोबार सब कर सकते हैं मैंने लेकर अपने दिमाग में एक फोकस कर लिया मैंने कि मैंने ईगल बनना है मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मेरे पास एक रुपया नहीं था मैं स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ रहा था अल्लाम नाजरीन मैं मुफ्त खार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम नाजरीन अक्सर लोगों को ये मसला आता है कि बिज़नेस स्टार्ट किस तरह करें और अगर करना चाह रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार शायद इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं लेकिन क्या आपको पता है कि एक आइडिया से आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं आप सिर्फ़ अपने माहौल में देखते हुए कुछ चीज़ें नोट करें और आप उससे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं तो इसी हवाले से हम गुफ्तु करेंगे हमारे अपने गेस्ट के साथ जिनका नाम अलियास मजीद शेख साहब हैं चेयरमैन ऑफ़ ईगल ग्रुप ऑफ कंपनीज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने इस सेट को बनाया और किस तरह इन्होंने लोगों की लाइफ में बिजनेस बना दिया तो बगैर किसी मिलते हैं वाले तशरीफ लेके आपका शुक्रिया इफ्तार साहब आपने बहुत अच्छी आपकी जो फाउंडेशन है जो कासम अली शाह माशा बोलते हैं मैं समझता हूँ नेकी का काम है लोगों को गाइड करना उनको एक अच्छा मशा देना इससे बड़ी नेकी और नहीं हो सकती बहुत शुक्रिया सर हम तो सर आपका जो एक सक्सेस स्टोरीज होती हैं हमारी फाउंडेशन की अक्सर हम वो जो है ना शेयर कर रहे होते हैं लोगों के साथ आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट किया आज आप माशाल्लाह आर्ट से नौ कंपनियाँ रन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन है ईगल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सर ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आके मज़ीद ये जाएगा एक्चुअली जो मैंने बेसिक कहले तलीम हासिल की ना वो एक टाट वाला स्कूल से अभी से तो लड़कों को शायद नहीं पता होता वो कैसा होता है वो ज़मीन के ऊपर बैठ के सर तो हम पढ़ते थे ज़मीन के ऊपर बैठ के और वो आज भी जो सहूलतें हैं वो नहीं होती थी नहीं। और हमें ये भी जो अभी हम अपने फैमिली को बच्चों को बड़ा पिक एंड ड्राफ देते हैं जी वाला साहब छोड़ने जा रहे हैं या वालदा छोड़ने जा रही हैं गाड़ी पे वो अरी सूरते हैं हमें नहीं होती प्रोटोकॉल वो कोई पे? चक्कर नहीं गया खुद ही जाना खुद ही आना और सुबह चौंके घर वाले सोए होते थे हमने सुबह स्कूल जाना होता था ज़्यादातर नाश्ता भी हमने खुद ही करना होता था सही यानी कि हमने ऐसा वक़्त गुजारा हुआ है तो आप कह लें कि जब मैं अठवीं का स्टूडेंट था पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि हमारे टीचर थे मोहम्मद सफ़ैर साहब वो भी भीकबाल के शेर जब वजाहत करते थे बड़े खुशी से पढ़ के एक शेर था अलामा अकबाल का नहीं है तेरा नशे मंद कसल्तानी की गुम्बस पर तू शहीन है परवाज़ कर पहाड़ों की चरानों पर ये मेरे वाला साहब को भी बड़ा फेवरेट था वो भी उन्होंने हमें बड़ा गाइड किया तो ये वो भी शेर पढ़ा करते थे तो मुझे इसके ऊपर जब थोड़ा सा इसकी के शे लामा इकबाल का ये शेर है तो इसमें मुझे ये महसूस हुआ कि ये परिंदा जो है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद होगा जो अल्लाह ताला ने इस परिंदे के ऊपर इतनी खूबियाँ डाल दी हैं कि उसको कि उसके अंदर क्या ख़ूबियाँ हैं कि वो जब हमेशा बुलंदी पर उड़ता है बिल्कुल किसी का शिकार नहीं खाता और सबसे अहम बात ये कि जब तूफान आता है छोटे छोड़ छोटे परिंदे सब अपने घोंसलों में गुम हो जाते हैं छुप जाते हैं ये अनजॉय करने के लिए बाहर, बाहर, निकलता बाहर निकलता है और इसकी नज़र बहुत तेज़ है जब ये वजहत के साथ मेरे टीचर ने मुझे बताया हमने उसको किया तो उसके बाद मैंने उसी वक़्त सोच लिया कि मैं अपने कॉम्पे का नाम ईगल रखूँगा और मैं ईगल बनूँगा हालांकि अठवीं में पढ़ता था मैं मैंने लेकर अपने दिमाग में एक फोकस कर लिया मैंने कि मैंने ईगल बनना है मैं वो परिंदा बनना है जो अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला उस पर खूबियाँ डालती तो उसके बाद जब मैं उसी वक्त सोच लिया तो अल्लाह ने शुक्र है कि आज ईगल मेरी कंपनी जो मेरा एक खाब हाँ था पूरा हो गया सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप आठवीं क्लास से एक माइंड सेट चले बिज़नेस के हवाले से आज माशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा हो गया ये कितना ज़रूरी है कि कारोबार सब कर सकते हैं कि ये कोई कोई बना होता है कारोबार करने के लिए नहीं कोई चक्कर नहीं है सब कर सकते हैं वो कारोबार में बरकत है सही और इसमें यह है कि हम मनफी जो सोच है ना सबसे अहम आपकी जो नाकामी है ना वो मनफी सोच है सही आप उसको जगह ना दे दिमाग पे जैसे कि सब... अच्छा सोचे बड़ा सोचे आप बनेंगे अब तो साइंसदानों ने भी साबित कर दिया है कि इंसान की सोच जो होती है वो आप देखिए आप सुबह शाम एक बात करते हो ना तो अल्लाह तला ने जो तीसरी आँख वो ये वाली बनाई है जो नजर नहीं आती वो तीसरी आँख उसको देखती रहती है सबसे अच्छा मशा जो होता है ना फिर आपको ये गाइड करती है लेकिन जब आप अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे हो मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता तो फिर वो आपको माइंड आपका आपको उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ आपकी सोच होगी बिल्कुल जी सर आपने माशाल्लाह बिजनेस किया है तो बिजनेस में आपको काफ़ी अरसा हो गया करते हुए आपने क्या चीज़ देखी है कि कामयाबी बिजनेस में कैसे मिलती है कामयाबी के लिए ना एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो चीज़ आपको पसंद है वही अपने भाइयों के लिए पसंद करें सही मैं छोटी मिसाल यहाँ के एफ सी की दूंगा जी के एफ़ सी का जो है मालिक जिसने इसको इन्वेंट किया जिसने इसको बस्मिल्ला की शुरू वो संडे के संडे जब छुट्टी होती थी अपनी मिस्री के साथ बैठ के के एफ़ सी की जो रेसिपी थी वो दोनों मियाँ भी, भी खाया करते थे अच्छा तो जब उसके पास रिटायर हुआ तो उसने कहा कि मैं फ़ारग बैठा हूँ तो जो मुझे ये खाना के एफ़ सी जो स्टाइल है बड़ा अच्छा लगता है क्यों ना मैं और लोगों को भी दावत दूँ नीयत क्या थी कि उसको खुद पसंद था वही उसने बेस रखते हुए लोगों का सोचा कि मैं अपने दोस्तों को या अपने अजीजों को या अपने बिजनेस इसमें इस में स्टार्ट, स्टार्ट करूं पैसा कमाने के उसका कंसेप्ट नहीं था उसका एक शौक था वो उसने उस शौक की खातर एक हजार हिस्ट्री कहती है कि वो एक हजार रेस्टोरेंट तक गया इवन अच्छा। जहां उसने स्टार्ट किया वो भी एक छोटी सी दुकान थी तो उसके रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास गया चूंकि उसका पैसा नहीं था खुद काम करने के लिए उम्र भी तो उसने, उसने बात की उसने भी इनकार कर दिया कर, जब वो नीचे उतरा था बड़े से चेहरे के साथ परेशानी के चेहरे के साथ नीचे उतर रहा था तो मैनेजर ने पीछे वाल थी आ जाओ मैं तुम्हारा आंसर करता हूँ वहाँ से उसने काम शुरू किया तो क्या था जब उसका टेस्ट देखा लोगों ने आस्ता 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 वक्त मीडिया का दौर नहीं था वो इतना पॉपुलर होता चला गया कि उनको फिर तो वो उसकी कामयाबी रुकी नहीं ना अवामी के साथ लेकिन बात क्या है वही अजीज का मफहम है कि जो चीज़ आपको पसंद है वही आप अपने भाइयों को दोस्तों को प्रजेंट करें मैं यहाँ एक पाकिस्तानी ब्रांड छोटा सा है कि चने का गोगा चने वाला भी मेरा जी जी उसका है जी जी। अभी पिछले दिनों मेरे साथ वो काफ़ा काफ़ी उसके साथ मुलाकातें हुई तो वो रेडी लगाता था देखें कारोबार जो होता है ना छोटा बड़ा कारोबार नहीं होता बिल्कुल रेडी लगाता था रेडी के ऊपर कह लगा पहली जो मैं प्लेट बेचता था चने की उसका रेट क्या था डेढ़ रुपये आज से चालीस साल पहले और चार आने का एक नान होता था सही तो सब्ज़ी मंडी के बाहर में लगाता था तो जो कि मैं जो चीज़ मुझे पसंद थी मैं वही ऑफर करता था उसका टेस्ट चेक करता था लें लग जाती थी मेरे पास आज उसकी सोलह ब्रांचें लाहौर में है बात करने का यहाँ मकसद ये यह है कि आप आपकी नीयत जो थी इसका मैं फोन मैंने बताया इसको ले कर चले कामयाबी आपकी कदम चूबेगी और कुछ साइंस नहीं है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ नहीं है बिल्कुल वैसे और भी कोई भी आप ब्रांड देखें और मैं एक बात करूंगा जो टी टीवी के ऊपर कि अपने बच्चों को ब्रांड टी वी के ऊपर उनको समझाएँ कि ब्रांड के ऊपर स्टडी करें कैसे बनते हैं मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं उस वक़्त ना सोशल मीडिया था टीवी के ऊपर एक ही चैनल आता था वो भी पीटीवी। और बजे के बाद वहाँ ना कह लें कि वो ऐसा प्रोग्राम लगा देते थे कि बंदा ना भी सोना चाहे सो हो जाता था <laughs> <laughs> ये पीटीवी का वो गिटार वाले आ जाते थे बिल्कुल तो उस वक्त जब मैं दसवीं पढ़ता था तो मैंने मिस्टर बाटा पढ़ ली थी सही कि किताब ला के कि मिस्टर बाटा ये मैं जो शूज पहनता हूँ तो ये मिस्टर बाटा इतना मशहूर है तो क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है बिल्कुल तो जब मिस्टर बाटा की छोटी सी हिस्ट्री बयान कर दूंगा क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है ताकि उससे कोई लेसन ले सके मिस्टर बाटा का जो सदियों से काम था शूज़ बनाने का हैड तो जब उसने बीस साल की उम्र में उसका उसके दादा परदादा से ये कारोबार चल रहा था बाटा था। उसने का उसने फैक्ट्री का चार्ज लिया मेरे ख्याल 1905 का शायद मेरा उन्नीस सौ की बात है अच्छा तो उसने जब उसकी डेथ उसका ना 300 सौ मुलाजम था 302 सौ दो मुलाजम थे या तीन सौ तीन मुलाजम थे उसके उस फैक्ट्री के तब के टाइम उस वक्त जब उसने उसको सैंतीस साल की उम्र उसका तेरा क्रैश करता है उसकी डेथ हो जाती है सैंतीस साल की उम्र में लेकिन सतारह साल तक सतारह साल में उसने पैठ मुल्कों में भी फैक्ट्रियाँ लगा गया था सिक्सटी फाइव मुल्कों में और सात हज़ार बंदा उसका हर वक्त टूरिंग में रहता था सेवन थाउजेंड बदला यानी कि किसे कहाँ ले गया हमारे नौजवान को ये देखना चाहिए कि वो भी इंसान है हम भी इंसान हैं अगर वो तरक्की कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता भी भी। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मेरे पास एक रुपया नहीं था मैं स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ रहा था लेकिन मैंने हिम्मत की मैंने स्टूडेंट के वक़्त ही कोई ना चीज़ सोचता रहा हम लोग मशा करना शुरू कर देते हैं लेकिन मशर करें अपने आप से सर अक्सर पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है अब के दौर में स्पेशली अब के दौर में कि अब जो बिज़नेस करना है आपका वो एक रेड लाइन पे आ गया है कि यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टअप लेना आसान काम नहीं है नहीं आप इस बारे में क्या कहेंगे <laughs> जो अगर मिसाल आपने तो आठवीं क्लास से सोच लिया <laughs> नो, नो नो और अब क्या लोग आज ज़्यादा ईजी है बिज़नेस स्टार्ट करना सही सोशल मीडिया का दौर है हम लोग हमेशा आसान रास्ता तलाश करते हैं और सारी उम्र गुजार लेते हैं गुजार जाते हैं आसान रास्ता तलाश करते करते शॉर्टकट शॉर्टकट कर 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 पे ऐसा नहीं होता मैंने मुरग आप फैसलाबाद जो है जान मुर्ग प्लाउ की मिसाल दे सकता हूँ उसने एक रेडी से काम शुरू किया था क्या था कि वो उसकी जो हिस्ट्री मैंने थोड़ी स्टडी की मैंने वहाँ जाके मिला भी उन्होंने कहा जी मैं एक शादी पर गया हूँ वालदा के साथ तो उसमें शादी में क्या होता था मुर्ग प्लॉज चलता था जी तो साथ वो जो भी है तो वाला मुझे जब मैं अब शादी में तो मेरे मैं खाने से पहले मुर्ग पुलाव ख़त्म हो गया खाना ना खा सका तो घर आके मैं जिद के शुरू कर दी ममा मैंने वही मुर्ग पुलाव खाना है जो वहाँ ख़त्म हो गया था कहने लगे कि मेरी वालदा ने फिर मेहनत करके मुर्ग बनाया वो इतना अच्छा मुझे लगा कि मेरे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं यही खाना लोगों को प्रेजेंट करूं क्या बात कितनी सिंपल सी बात है बिल्कुल वही दादी इसका मफहम आ गया आपको बस सिर्फ यही चीज है मैं मिसाल देता हूँ आप जो भी ब्रांड बना है वो एग्जाम में नहीं बना जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ पैसा ज्यादा चाहिए वो पैसा जल्दी ज़ाया करते हैं क्योंकि हम ओवर हेड बाड़ लेते हैं जी ऐसा बड़ा दफ्तर हो इतने लोग आए ये जो सोच होती है ना इसे वाला साहब को कह दिया मुझे जी पचास लाख चाहिए एक्सपेक्टेशन हाई लाख हाँ वो ले लिया अब वो वाला साहब ने कहीं से उसको या पचास लाख या बीस लाख दे दिया वो साल भर ख़त्म हो गया फिर व्हाट्सअप गए साहब मैं नहीं देता आपको चाहिए कि मैं मिसाल है मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ असेसरीज मोबाइल है आपका तो आपको यही होता ना कि मुझे एक अच्छा उसका चार्जर मिले और मिले और उसकी प्राइस सही हो अब यही ख्वाहिश है ना जी, जी बिल्कुल तो यही अपनी ख्वाहिश रखें कि जो मेरा कस्टमर हो उसकी ये सोच है मैं उसको चीज़ें प्रोवाइड करूँ बिल्कुल अब छोटी सी दुकान से काम स्टार्ट किया जब आपकी दुकान से कोई कस्टमर आएगा उसको पता है कि इस दुकान से रिजिनल मुझे मिलेगा चार्जर और ये दुकान था झूठ नहीं बोलेगा जो हमारे में मना है कि मत झूठ बोलो ये जहाँ झूठ नहीं बोलेगा और यहाँ मुझे पैसे भी मुनासिब देने पड़ेंगे तो आप ब्रांड बन गए एक शाह सौ बनाचे बना, बना लें आप ईरान होंगे कि ये इतनी सी बात है जो हम नहीं समझ सके गोरे समझ गए यहाँ मैं छुट्टी मैकडोनल की मिसाल देता हूँ आपको कि मेकडोनल की इब्तः कहाँ से हुई हर बच्चा जाने जाता है कभी वाल साहब ने यह नहीं कहा कि बच्चे ये देखो ये मैं बना कैसे था बनाया कैसे था हम सवाल बच्चों से नहीं करते ये भी ज्यारती करते हैं सोचने है। में नहीं मजबूर करते अब मैं तो अपने बच्चों को ही पूछता रहता हूँ बताओ मुझे जवाब दो अभी मेरी चार पाँच साल की दोस्ती है तो वो है कैसी आप उन्हें किस कहा लगाते हैं मगर देखो ना कैसे बन रहा है आप हर वक्त कार्टून देखते रहते हो बच्चों के अंदर देखो सोशल मीडिया को आप मुस्बत लेके जाओ सोशल मीडिया को बच्चों को बजाय कार्टून दिखाने के उनको बताओ कि ये फैक्ट्री देखिए आप दूध पीते हो ये फैक्ट्री कैसे बन रही है आप बिस्किट खा रहे हो कैसे बनाए उसके अंदर खुद खुद सोच पैदा हो जाएगी क्रिएटिव माइंड की हाँ उनके पास ये ये सारा मसले हैं बच्चों को बात सोचने में अब मैकडोनल की बात सुन लें मैकडोनल में ये था कि उसकी यू हिस्ट्री है कि मैकडोनल जब वो फैक्ट्री के बाहर आते थे लोग खाना खाने बाहर तो उनका वफफा होता था आधे घंटे का हर कस्टमर कह रहा होता है कि मुझे जल्दी दो मुझे जल्दी दो मुझे जल्दी दो ज़ाहिर है दो चार सौ बंदा यकदम तो मैनेजर कैसे उसको जल्दी दे सकता है पॉसिबल नहीं है, नहीं है फिर उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती थी तो जो उसका मैनेजर था ना वो पीछे लिखना उसने शुरू कर दिया कि मैं इसकी सोचूं कि कस्टमर को क्या चाहिए कहता कस्टमर को चाहिए अच्छा खाना विटामिन से भरपूर और उसको टाइम से ताकि आए उसको मिले आराम से खाए वहाँ से फास्ट फूड की बुनियाद बनी बुनियाद रखी गई उस मैनेजर ने उसने कहा जी ये इनकी ज़रूरत है उसने फिर क्या किया कि ये फास्ट फूड का कल्चर डेवलप किया कि तमाम चीज़ें उसको जो चाहिए उसको बर्गर चाहे बना के रखा हुआ है साथ उसको चिप्स मिल रही है साथ उसको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है साथ उसको बैठने जगह मिली है दस्ती और वहाँ से दस्ती दस्ती काम हो गया कभी नहीं हम अपने बच्चों को कहते कि यार ये जरा आप बड़े शौक से ये खाते हो कैफसी हिस्ट्री पढ़ो या आप बाटा को पढ़ो ये हम रटा लगाने के हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो भी सात साल पीछे चला गया हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा हम बच्चों को भी शार्टकट मत बताएं बच्चों सॉरी उनको शार्ट कट बताएं कि शार्टकट मत सोचें एक आप देखें आप दौड़ लगाएंगे गिर सकते हैं सीढ़िया ऊपर जल्दी से चलेंगे गिर जाएंगे आप एक एक करके आराम से चलिए आप आप विन कर जाएंगे मैं ऐसी मिसाल दूंगा एक औरत थी यहाँ सोसाइटी में रहती है आज उसका बहुत बड़ा बिजनेस है कुछ दस साल पहले मेरी उससे मुलाकात हुई तो कहती पैसे नहीं है मैं क्या आपको पैसे नहीं चाहिए तो मुझे देखा पहले क्योंकि पैसे नहीं चाहिए कारोबार से मैं कैसे करूँ मैं क्या देखो बात सुनो आप कहाँ रह रही हो कहती एक छोटा सा कमरा है पोर्शन में रह रही हूँ मैं से वहाँ आप अपने लिए क्यों पकाती हो कहती मेरे को पकाती हूँ मैं कहूँ वहीं से आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो कोई भी डिश तुम्हें आती होगी ना बिल्कुल उसमें तुम उसका मुनासिब रेट रखो अपने सिर्फ बल्लेदारों में फ़ोटो कापी करा के दे दो कि मेरे पास यह पक्का है चीज़ें रखो उसका रखो टाइम मुझे एक घंटे में आपको दूँगी या मैं सवा घंटे में दूँगी तो आपके साथ जो बैंक है आपके इलाके में या आपके जहाँ की भी है आप ये कर दो तो काम स्टार्ट उसे पर किलो रेट रखा हलीम का इस तरह चीज़ों का दो तीन चीज़ों का आज उसने घर भर बड़ा घर भी ले लिया है और अपना कुकिंग के लिए एक घर लहरा लिया हुआ है अच्छा और कोई पंद्रह बीस खबा का स्टॉप रखा हुआ है दूसरा काम लेगी क्योंकि हमें काम स्टार्ट कर लेना चाहिए बहुत सारे आइडिया हैं सर असल में बेसिकली मुझे जो यही अंदाज़ा हो रहा है कि एक आइडिया ही जो कहते हैं लाइफ बदल मैं कहता हूँ पैसा नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए आपको आज भी कारोबार के लिए देखिए जो हमारा मज़हब कहता है सच बोलना ईमानदारी और जो आपको पसंद है वही दोस्तों ने पसंद करे ये दो तीन असूल बना लें बिल्कुल तो आप कामयाब है आप कामयाब है सर इसके अलावा आप पाकिस्तान इकनॉमिक्स मूवमेंट पर काम कर रहे हैं सर इस बारे में बताएं कि हाँ क्या क्या, क्या है। ये है जी पाकिस्तान इकनॉमिक्स मूवमेंट हमने एक तंजीम बनाई है जिसके चेयरमैन हैं आबद अली पर साहब हैं मैं उनका मैं सेक्रेटरी हूँ और उसमें यह है कि हम चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हीरे हैं ना बिजनेसमैन जो जिन्होंने कामयाबी असर की है जो लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं उनके ऊपर उनको इकट्ठे करके हम मुल्क के लिए कुछ करें क्योंकि ये जो हीरे हमारे बहुत कामयाब हैं, मसलन ये है कि हमारे कमर रदा साहब दुबई होते हैं लंदन में लंदन के टाइकॉन है माशाल्लाह, वो मैं ख्याल बिलियन डॉलरों के मालिक हैं बिलियन डॉलर उनकी भी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में मैं चूँकि आखिरी उम्र पर हूँ साठ साल जब बंदा ऊपर हो जाता है तो मैं सोचता है यार मेरी बेस क्या है पाकिस्तान है तो जब वो पाकिस्तान की तरफ नगाह देखते हैं ना कहते यार ये हालात इनके माड़े हो गए चोड़ लिया सियासतानों ने चोड़ लिया जैसे ना वो एक बहुत पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत है मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ ऐसा मौसम मुझे कहीं नहीं मिलता अब कोई चेक करें सर आप कैनेडा देख लें बड़े शौक़ से बात कैनेडा की करते हैं या अमेरिका की बात कर लें उनके इलाकों के अंदर माइनस जाता है हमारा कौन सा इलाका बहुत कम है नार्थन इंडिया जहाँ माइनस जाता हो हम बड़े खुशहाल हैं सर सरसब हैं हर तरह का मौसम है मैं कहता हूँ नहरी नज़ाम में हमारा मुल्क गोरे तरीफ करते हैं लेकिन मसला हाँ यहाँ है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है यूटिलाइज नहीं करना है नहीं इंसाफ ये वजह है कि इसको नोच रहे हम जैसे एक बड़ा सा मिल गया इनको खाने के लिए मैंने अपने कॉलम का नाम रखा हुआ शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान चूंकि ये शुक्रिया पाकिस्तान इस हवाले से कि एक कैंप ये साइकिल भी आता है तो करोड़पति नहीं हो मामूली बात है अरबपति हो जाता है से... एक बैरूक्रेट आपका रात को इतनी बातें हो रही होती आजकल हाँ भाई तुम कैसे हो कैसे हो तुम्हारा काम कैसा है वो ये नहीं पूछते तुम जाब कैसे जा रहे हो पैसे कितने कमा रहे हो ये कह रहे एस एच और दूसरे एस एच ओ कह रहा है या मैं तो पचास लाख महीना आराम से कमा लेता हूँ uh -huh. तो जो मुझे सत्तर लाख तनाव मिलती है वो तो मैं अपने घर में उनको दे देता हूँ ये मैंने अपने कानों से बात सुनी है बातें होती हुई कि वो कहता है मुझे जो तनाव मिलती है मेरे साथ ये दो चार सिपाही जो फिरते हैं मैं उनको दे देता हूँ तो ये है देखिए ये जो बेस है ना हमें एक सिंपल सी बात है मैं टी वी को बहुत बोलता हूँ एक बात आके कि हम एक फैक्ट्री चलाने के लिए दस इंटरव्यू करते हैं उसका जनरल ले मैनेजर लेने के लिए जगह जगह से ढूंढते हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा मिले ये पाकिस्तान हमने बना दिया फालतू जिसको आप कहते हैं ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उसको आप बना देते हैं वजीर अला खुद ही फिर एक ऐसा बंदा जिसको ये ना पता हो कि बजट क्या होता है उसको आप बारह लाख बारह करोड़ आबादी का सुबह दे देते हैं तक इसको संभालो फिर आप उस बंदे को बताते दाखला बना देते जो सबसे बड़ा करप्ट बंदा होता है तो फिर कहते हैं मुल्क चले मुल्क कैसे चलेगा हम इसको खुद नोच रहे हैं नोच रहे हैं जब तक ये नोचना बंद नहीं होगा तब तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा इसका सिस्टम क्या आप मेरिट ले आए मैं कई दफा में बोलता हूँ कि आपको गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि आपको मुल्क क्या चलाने के लिए आई से ज़्यादा चाहिए जब एक सिस्टम है मेरिट मेरिट और मेरिट अगर आप इसके ऊपर आ जाए तो मुल्क कौन हमारा कौन कैसे डू रुक सकता एक अकेला आदमी बिल गेट्स तो तरक्की कर सकता है दुनिया का अमीर आदमी बन सकता है आपको क्या तकलीफ है आपके पास क्या मसले हैं आप क्यों मुल्क को नोच रहे हैं वजह सिर्फ ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब सर मैं ये मोमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि हाँ। आप किस चीज़ को टारगेट उसमें कर ये है जी हमारे पास इस वक्त हमारी जो इस वक्त जो हमारी आवाज़ है वो माशा आर्मी चीफ तक पहुँच चुकी है माशा हमारी तंजीम की जल्दी हमारी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी मतलब है हमने उसमें हिरों को तलाश किया मराज ये है कि आबली बार साहब है ख़ुद माशा बहुत बड़े बिजनेस मैन उन्हें सारी उम्र लंदन में गुजारी है वो कहते हैं कि मैं इस तरह उम्र गुजारी है कि एक एयरपोर्ट उतरता था तो उसी एयरपोर्ट पे मेरी दूसरी फ्लाइट होती थी तो मैंने पूरी उम्र में छुट्टी नहीं की आज अल्लाह ताला ने को बहुत दिन हुआ है उनका फाइव स्टार होटल है बाहर मुल्कों में छोटी बात भी फाइव स्टार हो चुके मालिक होना तो वो कहते हैं कि मैं इस वक्त तो उन्होंने गवर्नमेंट को ऑफ़र की है कि मैं सौ बिलियन डॉलर अच्छा सिर्फ एक शहर में ग्वादर में इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकता हूँ लोगों से अपने बिजनेस मैनों साथियों से चूँकि जब आप देखें आप बैरोक्रेट हो तो आपके यार दोस्त बैरोक्रेट होंगे जब आप बिलियन पति तो आपके यार भी बिलियन पसी होंगे इसी तरह एक साहब है को, कोटे में उनकी अस्सी साल उम्र है तो वो चाह रहे हैं अभी सऊदी अमेरिका की गवर्नमेंट उससे पूछ के चलती है उन्होंने वो साइंसदान है दुबई गवर्नमेंट में भी वो एडवाइज़र हैं उनको कहा भाई आए हमारी हेल्प करें वो कहते हैं जी ग्रीन एनर्जी की बुनियाद रखने वाले वो शख्स हैं अस्सी साल उनकी उम्र है अभी रिटायर होकर पाकिस्तान आए हैं हम उनकी ख़दमा भी हासिल कर रहे हैं इसी तरह एक मोहम्मद शफीक साहब हैं हमारे दोस्त हैं वो ओसम कॉलेज के मालिक हैं वो टूरिज़म को पूरा उन्होंने रिपोर्ट बना के दी गवर्नमेंट को कि आप एक अरब डॉलर ले रहे हैं टूरिज़म से कुछ भी ना करें इन्हीं सोर्सेज पर मैं आपको आइडिया देता हूँ उन्हें पूरी एक प्रजेंटेशन बना के दी है सात अरब डॉलर में ले जाता हूँ उसकी टूरिज़म उस शोबे की एडी से हम जब इन हीरो को हमारी तरजीम तलाश कर रही है और हमने माशा इसमें कोई पाकिस्तान के टॉप लेवल लोगों को ना के बाहर के पाकिस्तान टाइप टाइक को जैसे चौधरी अक्रम साहब हैं वो कहते हैं जी मैंने एक उन्नीस साल पहले एक जगह ले ली तो मेरे हम साने का शुभा कर दिया उन्नीस साल हो गया केस चल रहा है तो मैं लर्स में हूँ आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की ऐसे ही बोलते हैं कहते हैं अगर मुझसे बंदे को ऐसा सलूक ना किया होता तो बिलियन डालो तो मैं लगाए होते इधर आके पाकिस्तान में रिस्क है हैं? तो यहाँ कमर साहब कहते हैं मेरे बच्चे महफूज नहीं लाए नाटर से कर ले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट करा सकता हूँ हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम बदो ज़बरदस्ती दाखिल हुए हैं हम आपको फिफ्थ बिलर बोलना शुरू कर दिया जबकि हमें पहला बिलर होना चाहिए मैं चाइना की मिसाल देता हूँ यहाँ चाइना जी जी सत्तर अस्सी नब्बे की दहाई में जब लोग कोई गाड़ी में गुजरता था, था ना कोई सारी कौम सैकड़ों में होती थी तो वहीं से वहीं साइकिल रुक जाते थे और सब लोग क्रैपिंग करते थे ट्रैक ट्रक कि जनाब यह गाड़ी गुजरी है गाड़ी आपको शादी नजर नजर आती थी उस वक्त उसके सदर ने मुल्क को महीने में एक माह के अंदर एक मीटिंग रख एक सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक बिजनेस कम्युनिटी के साथ टाइम गुजारने का फ़ैसला किया जो चाइना की तरक्की की स्फाब बना क्या और उसने क्या किया, किया कि नाश्ते से लेकर डिनर तक डिफरेंट शहरों से डिफरेंट सूबों से चूँकि एक अरब की वादी है वो आज डेढ़ अरब की वादी है डेलीकेशन आते थे वहीं वजीर मशीर बैठे होते थे और वहीं प्रपोज़ल आती वहीं से पूछते थे कि ये प्रपोजल कैसी है अगर वो प्रपोजल उसी वक्त पास होती थी उसी वक़्त सदर का सेक्रेटेरिएट लेटर जारी करता था सहन होते थे, थे जब काम शुरू करो जाके आज सुपरपावर बन गया जो कभी पाकिस्तान से कर्जा मांगता था स्टैना और कभी वो पाकिस्तान से गरीब था और वो आज सुपर पवर बन गया सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की वजह से हमारा पिलर पहला गवर्नमेंट को होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी मैं चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौल चमक रह चुका हूँ हमारे यहाँ साल में तीन तीन चार चार मीटर मम्मली बात है प्राइम मिनिस्टर के साथ होना या सदर पाकिस्तान से होना या मिनिस्ट्री से होना मम्मली बात है लेकिन सिर्फ फोटो सेक्शन आधे घंटे का और कुछ नहीं और भाई आप बिज़नेस कम्युनिटी को पूछो जिन्होंने किसी को क्या पता कारोबार कैसे होता है जिसने कभी किया ही ना हो वो तो बिजनेस मैन मिलने चला जाए तो उसको चूँकि बिज़नेस मैन के पास पावर नहीं है उसको दो दो गए डी सी बाय बैठाए रखता है हाँ हम देखते हैं कोई एम आ जाए ना उससे वो डर रहा होता है और उसको फौरी बुला रहा होता है बाहर छोड़ नहीं मा रहा होता है हमें कहता है कि मैं टाइम ज़ाया करूं क्यों करूं क्योंकि तो हमारे पास पावर नहीं है हालांकि कमाऊ पुत अब घर किसी को देख ले जो घर पे सबसे ज्यादा कमाने वाला बच्चा हो उसकी हमेशा सबसे ज्यादा इज्जत होती है घर को चला रहा होता है तो आपने क्या किया हुआ बिजनेसमैनों को अकलियत सो हमें फील हुआ कि हमें मुल्क की खातर हमें कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से ना हमें पैसा चाहिए ना हमें गाड़ी चाहिए हम फ्री कुछ करना चाहते हैं हम उन हीरो को तलाश करके अपनी तंजीम में लेके आ रहे हैं ताकि वो तंजीम मिल के काम करें और काम करके दिखाए जी सर मैं लास्ट मेरा सवाल यही है कि आप मेरी ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहेंगे क्या मैसेज है आपका एक आपकी तरफ से आपके एक्सपीरियंस की तरफ से इन्हीं रोज़ो शब में गु मौका न रह जा इन्हीं इन रोज़ो शब में गु मौका ना रह जा तेरे आगे मकानों जमा और भी हैं इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लर्क बन गए हो ना तो सारी उम्र क्लर्क बने रहो ये ना सोचो कि मैंने तरक्की कर ली है मैं रुक गया नहीं आगे देखो आसमान तक जगह खाली है सोच पैदा करो बस यही मेरा पैगाम है कि अपने अंदर आप अच्छी सोच पैदा करो तो बड़ा सोचो जो आपकी सोच है वही आप बनोगे बिल्कुल अगर आप मर्फी सोचते रहोगे सारी उम्र तरक्की नहीं करोगे और कभी बिजनेस छोटा हो बड़ा हो बिज़नेस होता है मैंने उस रेजी वाले की मिसाल दी है आज उसकी सोलह ब्रांचें हैं अगर ब्रांचों में उसकी कितनी सेल होती हो कितना प्रॉफिट होगा आप खुद एस्टिमेट कर लें तो तीन जमाते भी नहीं पड़ा हुआ बिल्कुल बात लेकिन ये है सिंपल सी बात है कोई सेंस नहीं है बिस्रा करें काम स्टार्ट करें थैंक यू सो मच सर आपने इतना टाइम निकाला और इतने मुफीद मशवरे दिए हमारी ऑडियंस को और इसमें मैं भी जो एक समरी एक तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि सर कहते हैं कि सर ने जो कहा मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस चीज़ से कि आपके इर्द गिर्द ही है आइडिया सिर्फ आपने उसको देखना है नोटिस करना है और उस पर काम शुरू करना है पैसों की ज़रूरत नहीं है सोच बड़ी होनी चाहिए लोग समझते हैं कि शायद ये काम करूँगा तो इंसल्ट होगी ये फला काम करूँगा तो इंसल्ट होगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप स्टार्ट करें और उसी काम को अपना फ्यूचर बनाएं उसी से बिजनेस जनरेट करें आज कहाँ से लोगों ने स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये बड़ी बेहतरीन सर ने आप एक आखिरी बात और है कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़े बिल्कुल उनको इतना उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा इतना उनको फिर रस्ते मिलेंगे तो फिर उसको मुस्बत सोच मिलेगी वो आगे तरक्की करेंगे थैंक यू सो मच सर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में तब तक के लिए अला हाफ़